सुप्रभात सभी बच्चों, स्वागत है आप सबका वर्धमान ऑनलाइन कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, कुएं का पानी। तो इससे कुएं का पानी पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देती हूँ। इसमें क्या होता है, इस कहानी में एक बनिया होता है, वह बहुत ही चालाक होता है और एक सीधा साधा किसान होता है। बनिया इतना चालाक होता है कि वह अपनी चालाकी से किसान को उल्लू बना देता है। तो किसान बहुत दुखी होकर क्या करता है कि वो बहुत ही सीधा साधा होता है, वह उसकी बातों में आकर उससे जीत नहीं पाता। तो वह क्या करता है, राजा के पास जाता है। तो फिर उसको जो भी वो दुखी होकर राजा के पास जाता है तो राजा उसकी समस्या का हल निकालता है। तो आइए हम पढ़ेंगे अब कुएं का पानी पूरा विस्तार से। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बनिया रहता था। वह बहुत चालाक था। ये भी बात कि बहुत समय एक दिन पहले की, बहुत ही पहले की बात है, एक राज्य में एक बनिया रहता था और वह बहुत ही क्या था, चालाक। चालाक मतलब होशियार था, वह बहुत ही शातिर था। उसका एक कुआ था, उसके पास क्या था, एक कुआ था। एक दिन उसने वह कुआ एक सीधे साधे किसान को बेच दिया। उसने क्या किया, अपना कुआ था वह एक सीधे साधे किसान को बेच दिया। उस किसान को बोल दिया कि तुम कुआ खरीद लो, तुम्हें अगर चाहिए तो। किसान ने वह कुआ 1,000 रुपये में खरीद लिया। किसान ने क्या किया, वह कुआ 1,000 रुपये में खरीद लिया। अगले दिन किसान कुएं से पानी लेने पहुंचा। तो जब उसने कुआं खरीद लिया, जब कुआं किसान का हो गया, तो वह उस कुएं पर अपने लिए पानी लेने पहुंचा। बनिया कुएं पर स्नान कर रहा था। उसने क्या देखा कि उसने देखा कि वह बनिया था वह उसके कुएं पर स्नान कर दिया, जबकि वो कुआं तो किसान ने खरीद लिया 1,000 रुपये में, तो फिर भी बनिया इस कुएं पर स्नान कैसे कर रहा है। किसान को देखकर बनिए ने कहा, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। जैसे ही किसान कुएं पर पानी लेने पहुंचा, तो किसान पानी भरने लगा, तो बनिए ने क्या बोल दिया, मना कर दिया कि तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। बनिए की बात सुनकर किसान हैरान रह गया। कि ये मेरे को मना क्यों कर रहा है, कुएं से पानी लेने से क्यों मना कर रहा है, जबकि कुआं तो मैंने 1,000 रुपये में खरीद लिया, अब तो ये कुआं मेरा हो गया, और तो फिर भी ये बनिया मेरे को पानी लेने से क्यों मना कर रहा है। वह बोला, श्रीमान कल ही तो मैंने यह कुआं आपसे खरीदा है। वह अचरज से बोला कि कल ही तो मैंने ये कुआं आपसे खरीदा है, आप मेरे को मना क्यों कर रहे, ये तो कुआं आप मेरा हो गया है ना, पूरे 1,000 रुपये दिए। फिर उसने बोला कि मैंने इस कुएं के 1,000 रुपये दिए और आप मेरे को पानी लेने से मना कर रहे हो। इसे सुनते ही बनिए ने चालाकी से कहा, ठीक है ठीक है। बनिए ने क्या कहा, ठीक, जैसे ही किसान ने बोला कि मैंने कुआं 1,000 रुपये में खरीदा है, तुम इसे पानी लेने से क्यों मना कर रहे हो, तो बनिए ने चालाकी से बोला कि ठीक है ठीक है, कुआं ही खरीदा है ना, पर उसका पानी तो न खरीदा है। जैसे ही फिर बनिए ने अपनी चालाकी से उस किसान, सीधे साधे किसान को बोला कि तुमने 1,000 रुपये में कुआं ही तो खरीदा है, इसके कुएं का पानी थोड़ी ना खरीदा है। इस कुएं के पानी का मालिक अभी भी मैं ही हूँ। और वह बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कुआं बेचा था, कुएं में जो पानी है वह नहीं बेचा था। तो इस कुएं के पानी का मालिक तो अभी भी मैं ही हूँ। मैंने तो तुम्हें सिर्फ कुआं ही बेचा था, ना कि पानी। अगर पानी चाहिए तो हर एक बाल्टी का पैसा देना होगा। बनिया बहुत ही चालाकी से सीधे साधे किसान को बोलता है कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें हर एक बाल्टी का पैसा देना होगा। आज तक तुम कुएं का पानी हम आधा चैप्टर आज ही करेंगे और आधा चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।